हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम प्यारे दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के और एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की कृपा से मैं भी एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। और आज सुबह सुबह हम साफ़ कर रहे हैं अपने पूरे घर को, क्योंकि हमारा घर जो है ना वो बहुत 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 गंदा हो गया है और देखने में हमको खुद ही नहीं अच्छा लगता है। मान लो कोई गेस्ट आ गया तो उसको कितना अच्छा लगेगा, जब मेरा घर है, मैं यहाँ पर हमेशा रहती हूँ, जब मुझे ही नहीं अच्छा लग रहा है तो किसी और को क्या ही अच्छा लगेगा। तो जितने चद्दर थे और जो बेड का बिस्तर था, मम्मी ने खोल वगैरह निकाल के उसको सारा कुछ धुल दिए हैं। मतलब आज पूरे घर का बिस्तर धुला गया है और हम झाड़ू लगा रहे हैं। जो काम की चीज़ है उसको रख रहे हैं, बाकी जो यूज़लेस है उसको हम फेंक दे रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे रखते रखते बहुत कुछ हो जाता है यहाँ पे। और अंदर मैंने सफाई कर लिया है, खाना मेरा बन गया है, खाना बहन जी ने बनाया है और आज सुबह से मेरी सफाई में ड्यूटी लगी है। आज हम सोच ही लिए हैं कि हमें घर का कोना कोना साफ़ करना है। इसके लिए मुझे चाहे कितना भी टाइम लगे। तो मैंने अपने घर का पहले नीचे साफ़ किया पूरा, उसके बाद हम छत पे आए, छत पे बरामदे को साफ़ किया, अंदर साफ़ किया, सारा कुछ साफ़ हो गया। और बचा है अब किचन, और किचन भी हम साफ़ कर रहे हैं। और किचन का जो डिब्बा है वो इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया है कि पूछिए ही ना। और अभी हम 1 मंथ पहले इसको साफ़ किए थे, 1 मंथ क्या 15 दिन पहले पूछे थे, 1 मंथ पहले साफ़ किए थे इसको। और हमारी किचन जो है ना वो खुली खुली है, तो जब चारा या गेहूं कतराया जाता है तो डायरेक्ट जो धूल होती है वो हमारी किचन में ही घुसती है सबसे पहले, तो जिसकी वजह से इतना गंदा हो गया है। तो इसीलिए हम आज इसको एकदम से बढ़िया चमका दे रहे हैं। घर साफ़ करने में ना बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और सबसे ज़्यादा मेहनत ना किचन साफ़ करने में लगती है। लगभग हमें 1 से 1.5 घंटे लगे इतने डिब्बे को साफ़ करने में। और अभी मैंने पूरा डिब्बा बहुत अच्छे से चमका दिया और हम इसको ऊपर सेट कर रहे हैं। लेकिन बात ये है, मेरे यहाँ चाहे जितना अच्छे से सेट किए हो ना, अभी शाम तक सब इधर का उधर हो जाता है। पता नहीं क्या, मेरे यहाँ नहीं, मुझे लगता है कि पूरे गांव में, मतलब गांव में जितने लोग होते हैं सबके यहाँ ऐसे ही होता है कि अभी सेट करो शाम को ख़राब हो गया। और ये देखो गुलदस्ता, वाह वाह वाह, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन इस पे भी ना भूसे की वजह से बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी, जिसको हमने धुल दिया है, धूल के साइड में रख दिए हैं धूप में, और ये सूख जाए तो इसको अच्छे से रख देंगे सो में। और ये किचन देखिए मेरी एकदम साफ़ हो गई है, क्लीन क्लीन। कैसे लग रही है कमेंट करके बताइएगा आप सभी लोग। और चलिए बाहर मैं दिखाती हूँ, ये बरामदा है मेरा, और ये कैसे लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। और बजे हुए हैं 2:40 हुए हैं, और अलमारी पे लड्डू गोपाल जी हैं और दीदी की फ़ोटो रखी हुई है, साइड में पर्दा लगा हुआ है, मंदिर है। अभी मैंने यहाँ पे चादर नहीं बिछाया है क्योंकि अभी जो खोल होती है वो सूख रही है। और अलमारी फ्रिज भी मैंने अच्छे से साफ़ किया है, साइड साइड में अंदर वाले रूम में भी पर्दा लगा दिया है। और यहाँ पे देखो जैसे लग रहा है कबाड़ है, साफ़ नहीं किया है लेकिन साफ़ हुआ है सारा कुछ। सारा कुछ साफ़ करने के बाद पता चला कि गेहूँ, जो पुराना गेहूँ है उसको मम्मी धोई थी छत पे, तो उसको हमें क्या करना है, एक जगह इकट्ठा करके डालना था ड्रम में। तो हम लोग इसको भी करते हैं जल्दी जल्दी, और हम बहुत ज़्यादा ऊब गए हैं और बादल अपने में छाए हुए हैं, तो जल्दी जल्दी इसको कर देते हैं, नहीं कब भगवान जी किधर से बरसने लगे कुछ पता नहीं है। इनकी महिमा तो अपरंपार ही है। वैसे ना आज है 15 तारीख, और मुझे लगता है कि आज की डेट में बारिश होनी है, तो इसलिए जो मौसम है वो चारों तरफ से लगा हुआ है और हो सकता है बारिश हो। बट मैं मनाऊंगी कि बारिश ना हो, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों का गेहूं पड़ा हुआ है तो उनका भी गेहूं कटवट जाए। फाइनली गाइस, पूरे घर की सफाई हो गई, नीचे भी हो गई, ऊपर भी हो गई, किचन भी हो गई है। देखिए हमारी किचन सुंदर सी लग रही है, एकदम साफ साफ। बाकी मुझे अपनी किचन में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये नहीं अच्छा लगता है। और इसको कैसे क्या करें इसका आप लोग कुछ बताइएगा, क्योंकि पेंट करो ना तो छूट जाता है कुछ दिन के बाद, और पेंट होगा अभी 1-2-3 महीने बाद क्योंकि घर में शादी है। तो कैसी लगी आज की वीडियो और कैसी लगी हमारी आज की मेहनत, क्योंकि पहले हम भूसा रखे थे उसके बाद पूरा घर साफ किए। बात ये है कि हमारे यहाँ मैंने पूरा भूसा रख लिया है, और लगभग आसपास सभी खेतों में
गेहूँ भी कट गए हैं, मड़ाई भी हो गई है, कटाई भी हो गई है, सब कुछ हो गया, मतलब धूल वूल चली गई है सबकी। तो मैंने सोचा क्यों ना ये घर साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे ना घर बहुत बहुत गंदा लगता है देखने में। तो आज मुझे अच्छा लग रहा है और अभी 3 बज गए हैं, लेकिन अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया है। तो मैं चलती हूँ खाना खाने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सुबह से काम कर रहे हैं। सो कैसी लगी आप सभी लोगों को आज की वीडियो? आई होप आज की वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।